हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आज मैं आपको बाल विकास का पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। CTET संविदा वर्ग 3 की जो वैकेंसी आने वाली है, तो ये कंटिन्यू आप अभ्यास करते रहें, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बच्चों की जो भाषा होती है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके घर का पड़ता है। अगर घर में अगर जैसा भी बोलेंगे बच्चे, उस हिसाब से उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर गलत बोलेंगे या जो भी बोलेंगे तो वह बच्चों की तरफ। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्वि तत्व सिद्धांत का समर्थक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्वि तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, एक सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट एवं बर्नर ने किया था। किसका किया था? बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत किसने किया था? बर्ट एवं बर्नर ने। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक परीक्षा का बहुत प्रचलन है। कौन सी परीक्षा का सर्वाधिक प्रचलन है? बैचुलर वैल्यू परीक्षा। तो ये इम्पोर्टेंट है। जिस बालक की बुद्धि उपलब्धि 135 से ऊपर होती है वो होते हैं प्रतिभाशाली, यानी जो भी जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो 135 के ऊपर। बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वगुण महत्व किसे देती है? सबसे ज़्यादा महत्व किसको देती है? बालकों को। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा की भूमिका है कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षाओं में शिक्षा एक पथ प्रदर्शन सलाहकार और सहायक सब होता है। अगर शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया? तो बाल केंद्रित जो विद्यालय हैं छोटे छोटे, उन पर भी बल दिया गया है ना। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है? सीखने वाली है ना। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम की प्रमुखता किस प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण मानी जाती है? विषय केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा अंतर क्या है? बाल केंद्रित यानी बालकों की जो केंद्रित शिक्षा और शिक्षक में शिक्षण की आपूर्ति, इन दोनों के बीच में अंतर ये है ना। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ क्यों किया गया था? यानी ये योजना क्यों की गई थी? क्योंकि विद्यालयों में अभावों की पूर्ति करनी, यानी विद्यालय बढ़ाने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या थी? बाल केंद्रित जो शिक्षा थी उसकी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु थी व्यापक एवं बड़ा। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण होते थे। बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम दुनिया के किस देश में मान्य की गई थी? ये यूरोपीय देशों और अमेरिका वगैरह, इनमें सबसे पहले मान्य की गई थी। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा किस कार्रवाई योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था? तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है, आत्मपूर्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यंग ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सहचर्य के गौण नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो ये ब्राउन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। सहचर्य गौण नियम के प्रतिपादक ब्राउन थे, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्वपूर्ण है ये व्यवहारिक ज्ञान देना, आत्मनियंत्रण प्रशिक्षण करना और आत्म अभिव्यक्ति करना। ये क्या कहलाएगी आपकी? बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, कथोपकथन प्रविधि में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। तो कथोपकथन जो थी विधि में सर्वाधिक शिक्षण रहते हैं वो रहते हैं शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वाधिक रोचक शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं?
छोटी कक्षाएँ उसमें कहानी कथन विधि जो है, छोटी छोटी जो कक्षाएँ होती हैं प्राइमरी तक, उसमें कहानी या आप कथन सुनाओगे तो वो उससे बच्चे एकदम शिक्षण को सीखते हैं। अभिनय शिक्षण विधि के सर्वाधिक किस प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ था? अभिनय शक्तियाँ सृजनात्मक है ना। नेक्स्ट है अवलोकन, शिक्षण विधि प्रविधियाँ किस विधि के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी गई हैं? तो ये जो विधियाँ थी ये सबसे ज़्यादा मानी गई विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है, निम्नलिखित में ऐसे कौन एक भाषा आगमन विधि से संबंधित है? आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था ना संविधान। अगला है, सुलेख का अभ्यास शिक्षण के किस स्तर पर कराया जाना चाहिए? तो ये प्रारंभ से है ना। समस्या समाधान प्रविधियाँ कौन सी हैं? समस्या समाधान खोजोन्मुखी अधिगम जो प्रविधियाँ हैं वो समस्या समाधान प्रविधि से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, वार्तालाप शिक्षण विधि के अंतर्गत एक शिक्षण विधि कौन सी है? संगोष्ठी विधि। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पुनर्वर्धन प्रविधियों का चयन करना एक उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रौद्योगिकी का है ना। प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के प्रवर्तक थे सुकरांत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि क्या है? संगोष्ठी विधि में शिक्षण की जो विधि है वो है कथा का वर्गों में विभाजित करना और आपसी चर्चा शिक्षण द्वारा अंत करना। तो ये शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।